RSCIT क्विज करने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी होगी, www.bkinfotech.com. आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ही ब्लॉग है, फ्री RSCIT क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ऑल ओल्ड पेपर्स सॉर्ट। VMOU के द्वारा लिए गए RSCIT के सभी ऑफलाइन पेपर्स यहाँ पर मौजूद है। टोटल 5 एग्जाम हुए हैं, पांचों पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में सॉल्व करे हुए हैं यहाँ पर क्विज के रूप में। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस क्विज को दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस क्विज को दे सकते हैं। सभी पेपर्स की डेट दे रखी है, जैसे कि 2 मार्च 2014, 19 जनवरी 2014, इसी तरीके से सारे पेपर्स की डेट दे रखी है जो पेपर इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व कर रखे हैं। स्टेप्स कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर, इस वेबसाइट में सबसे नीचे यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, टेक मी टू क्विज। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके से क्विज को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं फोटो के रूप में। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट में सबसे पहले इन फोटोज के रूप में आएगा कि आप कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये एक हेल्थ चेकअप फॉर्म है, ये फॉर्म पूरा फिल करके जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने हेल्थ चेकअप का रिजल्ट आएगा आपका, और एक लिंक आएगा जिससे आप RSCIT के क्विज दे सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपने फॉर्म में भरा था। यहाँ पर हेल्थ चेकअप फॉर्म में जो मोबाइल नंबर भरा है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। इसके बाद में आपके सामने क्विज का लिंक आ जाएगा। इस तरीके से जैसे आप क्विज के लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्विज चालू हो जाएगा। क्विज के अंदर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सवाल आपके सामने आ जाएगा। सवाल हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। यहाँ ऊपर सवाल लिखा हुआ रहेगा, नीचे इसके आंसर हैं। आंसर पे क्लिक करें, रेडियो बटन पे क्लिक करके सबमिट बटन दबाएं। इधर सबमिट बटन दबाते आपके सामने सही जवाब होगा तो इस तरीके से करेक्ट लिखा हुआ आएगा। ओके बटन दबाते नेक्स्ट स्क्रीन, अगर आपका जवाब गलत है तो इनकरेक्ट लिखा हुआ आएगा। ओके बटन दबाते ही नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ जाएगा। या नीचे की तरफ एक बटन है आउटलाइन, जैसे आप आउटलाइन पे दबाते हैं, आउटलाइन पे दबाते ही आपके सामने गलत जवाब क्रॉस के रूप में आएगा। उस पर क्लिक करते ही सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। सही जवाब वो है जिसके सामने राइट का निशान है। तो आपको क्विज करने के लिए टेक मी टू क्विज पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्म आएगा, इससे आप अपना हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको RSCIT क्विज करने का लिंक मिलेगा। हेल्थ चेकअप में हम बात करते हैं कि आप अपने BMI चेक कर सकते हो, बॉडी का फैट का परसेंटेज, शरीर में आपके चर्बी कितनी है, आप नॉर्मल हैं, मोटे हैं या पतले हैं, वो चेक कर सकते हो, और BMR चेक कर सकते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। फॉर्म में सबसे पहला फील्ड है नेम। नेम के बाद में आप अपना जेंडर चेक करें कि आप मेल हैं या फीमेल है। इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही डालें, नहीं तो आपको RSCIT का लिंक नहीं मिलेगा क्विज का। ईमेल एड्रेस, अपना पूरा ईमेल एड्रेस भरें। आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है DD MM YY के फॉर्मेट में। DD मतलब 2 डिजिट के अंदर डेट, अगर किसी के 5 अप्रैल है तो 05 और अप्रैल के लिए 04 लिखेंगे, और 4 डिजिट्स में ईयर लिखेंगे 0। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1990 की है तो 1990 यहां पर आएगा। इसके बाद अपना अप्रोक्स वेट लिखना है। इसके बाद हाइट 5 फीट और इंचेस में कितने इंच है यहाँ पे क्लिक करते नंबर आएंगे, उसमें सेलेक्ट कर लें कि आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रिजल्ट पेश होगा, उसमें आपका BMI लिखा हुआ होगा और उसका रिजल्ट लिखा होगा कि नॉर्मल है या नहीं।
बीएमआई होता है हाइट वर्सेस वेट का रेशियो। इसी तरीके से बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट ये 1200 से ऊपर आता है। और शरीर में फैट का परसेंटेज, चर्बी का परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर ओबेस लिखा हुआ आएगा, ओबेसिटी के लिए ओबेस मोटापा। और अगर कम है तो यहाँ पर थिन लिखा हुआ आएगा, पतलेपन के शिकार। वापस चेक करना हो तो गो बैक पे क्लिक कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे इस रिजल्ट का एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। आपके मोबाइल पर आ जाएगा पूरा आपका हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड, और स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक लिंक प्रस्तुत होगा जिसपे लिखा होगा क्लिक हेयर टू टेक RSCIT क्विज। इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। वेलकम टू बीके इन्फोटेक क्विज, कॉल 9829156023। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, जो आपने हेल्थ चेकअप के फॉर्म में जो मोबाइल नंबर फिल करा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे क्विजेज आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा RSCIT पेपर्स, 1 से लेके 5 तक पेपर दे रखे हैं अलग अलग डेट को, जो RSCIT एग्जाम हुए थे VMOU के। जैसे 2 मार्च को जो पेपर हुआ था वो यहाँ पर क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से 19 जनवरी 2014 को जो हुआ यहाँ पर क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। इसके नीचे वर्ल्ड के क्विज, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, सभी के क्विजेज यहाँ रखे हुए हैं। अब जैसे जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करते ही आपको क्विज की स्क्रीन सामने दिखाई देगी। अगर आप फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो बड़ी हो जाएगी, वापस फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो छोटी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन है 35, फुल स्कोर है 70, 35 सवाल है, 70 नंबर का पेपर है, हर सवाल के 2 नंबर हैं। पासिंग रेट है 40%, 40% पासिंग मार्क्स है, 70 का 40% होता है 28, यानी आपको 70 में से 28 नंबर लाने हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सवाल आ जाएगा। सवाल यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ रहेगा, सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऊपर वाली लाइन में इंग्लिश में लिखा हुआ है अ फायरवॉल इज, और हिंदी में लिखा हुआ है फायरवॉल क्या है। ऐसे ही इसके आंसर के ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये क्विज इस तरीके से बनाया गया है कि हर बार आपके सवाल बदलते जाएंगे, 1 से लेके 35 तक सवाल है। अगर आप 10 कंप्यूटर पे ऑन करेंगे तो हर सवाल अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग जगह आएगा। जैसे एक सवाल पहले नंबर पे आ रहा है तो यही फायरवॉल वाला सवाल किसी दूसरे कंप्यूटर पे 10 नंबर पे होगा, किसी पे 24 नंबर पे होगा, किसी के 27 नंबर पे होगा, ऐसे रैंडम ऑर्डर में। उसी प्रकार ये ऑप्शन, अगर सेम सवाल आप दोनों के स्क्रीन पे आता है तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे लगातार। आपको बस सही आंसर पे ऐसे रेडियो बटन पे गोल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। अगर आपका आंसर सही है तो करेक्ट लिखा हुआ आएगा इस तरीके से सही। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत आंसर पे क्लिक कर दिया है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा हुआ होगा इनकरेक्ट, गलत आंसर। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। सही जवाब जानने के लिए आपको आउटलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके करेंगे नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ आउटलाइन का बटन फिर भी दिखाई देगा आपको। जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपने जो सवाल गलत करा है उसके सामने रेड कलर का क्रॉस आ जाएगा। अब इस सवाल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सवाल फिर से आएगा जिसमें सही आंसर लिखा हुआ होगा। ये देखिए सवाल वापस आपके सामने आ गया है। आपने जैसे मान लीजिए गलत करा है फायरफॉक्स इस सवाल का जवाब, और सही आंसर क्या है जिसके सामने ऐसे राइट का निशान है, ग्रीन कलर के राइट का निशान, वो सही आंसर है इसका। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा।
जब आपका क्विज खत्म होगा तो इस तरीके से पूरा स्कोर आपके सामने आएगा। टोटल क्वेश्चन 35 थे, 70 नंबर करना था, 40% पासिंग मार्क्स थे, पासिंग रेट 28 नंबर, और आपका स्कोर आपने कितने लेके आए, 70 में से आपके कितने नंबर आए हैं। और अगर आप पास होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास्ड, अगर आप फेल हो जाएंगे तो रेड कलर में लिखा आएगा सॉरी यू फेल्ड। आप जैसे रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। पहले सवाल पे क्लिक करो और हर सवाल के आंसर आपके सामने आते जाएंगे, सही आंसर के सामने राइट का निशान, बस नेक्स्ट 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 करके हर सवाल को पढ़ो, उसका सही आंसर देखो, हर सवाल को पढ़ो सही आंसर देखो। तो ये कंपैरिजन मोड में आपको याद कराता जाएगा, आपके दिमाग में एक ना एक आंसर जरूर होगा हर सवाल का। जैसे आप टिक करेंगे फौरन पता चल जाएगा आपको कि आपका जवाब सही है या गलत है। इस तरीके से आप RSCIT के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे 500 से ज़्यादा क्विज रखे हुए हैं, हम इसे और डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें।